सो हेलो डियर, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो आई का बटन है इसको क्लिक करके आप जल्द से जल्द हमारी इंग्लिश ग्रामर या स्पीकिंग की प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, जिससे आप अपनी इंग्लिश को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर पाएं। आपकी नीड की हर एक वीडियो वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो गाइज, चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एक और नया टॉपिक, और उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे दो प्रीपोजिशंस के बारे में। जो दो प्रीपोजिशंस मैं आज आप लोगों को कराऊंगा वो कौन सी हैं गाइज? वो हैं अबव एंड बिलो। तो गाइज, अब हम बात करेंगे इन दोनों की दोनों प्रीपोजिशंस की, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों की दोनों प्रीपोजिशंस को सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अबव की। अबव क्या है हमारा? किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। यहाँ पे मेनली जो मैं बात करने वाला हूँ गाइज, वो है तीन कंडीशंस की। जो ये तीन कंडीशन आपके सामने मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं, आप देख सकते हो, लिस्ट में ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर और किसी स्तर से ऊपर। तो यहाँ पे पहली चीज आप इस बात को समझो कि ये जो अबव मैंने यहाँ लिखा है ये बेसिकली क्या है? एक प्रेपोजिशन है। क्या है गाइज? ये एक प्रेपोजिशन है। जब भी हम किसी भी प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो अगर हमारा सेंटेंस एक्शन है और उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशन हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी। इवन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ रहा है तो भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन आएगी। और अगर किसी में वर्ब नहीं आ रही और वहां पे हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशन हमारी हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ सकती है। मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अब इस सेंटेंस में आप देखो, कमिंग क्या है? वर्ब है, और होम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में फ्रॉम हमारी क्या है? एक प्रेपोजिशन है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम फ्रॉम डेली। अब इसमें भी आप देखो, हैम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डेली क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और इन दोनों के बीच में फ्रॉम क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ साफ है कि अबव जो होगा वो कहां पे आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। गाइज, लिस्ट में सबसे ऊपर, जब भी हम बात करते हैं कोई चीज लिस्ट में सबसे ऊपर है तो हम अबव का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम लिस्ट में सबसे या सब लोगों से ऊपर था। तो मेरा नाम यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और इससे आगे भी चीजें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बोला माय नेम था, पास्ट में जा रहा है तो वॉज, अबव एवरीवन्स नेम इन द लिस्ट। तो आई होप आपको पहला पॉइंट जो है मेरा वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लिस्ट में ऊपर, कभी भी हम लिस्ट में ऊपर की बात करते हैं तो वहां पे, किसी भी सूची में ऊपर की बात करते हैं, पोजीशन में ऊपर की बात करते हैं, तो वहां पे हम अबव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर। अब एब्स्ट्रैक्ट जो यहां पे मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है? आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा होगा तो वो पर्टिकुलर नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी कोई शेप नहीं होती, मतलब कोई आकार नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। जैसे यहां पे हम लव की बात कर सकते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, किसी भी तरीके की भावना जो होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट में भी ऊपर। जैसे मैंने बोला, सेकेंड सेंटेंस है हमारा कि प्यार सब चीजों से ऊपर है, ठीक है। तो प्यार सब चीजों से क्या है? ऊपर है। तो क्या लिखेंगे हम? लव इज अबव एवरीथिंग, ठीक है, लव इज अबव एवरीथिंग। अब तीसरी चीज है गाइस, किसी भी स्तर से ऊपर। स्तर मतलब कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसके 50 से ऊपर मार्क्स आए या उसके 50 से ऊपर अंक आए, मैंने क्या लिखा?
उसके 50 से ऊपर अंक आए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस है, तो क्या होगा हमारा, ही गॉट या ही स्कोर्ड अबव 50 marks। तो आई होप गाइज आपको अबव के बारे में सही तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अबव बहुत ही इजी है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं थी। अब हम अबव के बाद पढ़ेंगे गाइज किसके बारे में, बिलो के बारे में। तो चलिए बिलो के बारे में जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाइज अब हम बिलो की। बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब होता है लिस्ट में नीचे, एब्स्ट्रैक्ट में नीचे और किसी स्तर से नीचे। तो जैसे हमने अबव की बात की थी, यहां पे लिस्ट में ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट में ऊपर, किसी स्तर से ऊपर, बिलो इसका एकदम अपोजिट है, ठीक है। अब यहां पे हम सेम एग्जांपल्स को भी ले सकते हैं या किसी दूसरे एग्जांपल को भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला मैंने बोला कि तुम्हारा नाम लिस्ट में सबसे नीचे था, तो योर नेम वॉज बिलो एवरीवन्स नेम इन द लिस्ट। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट में नीचे, जैसे मैंने बोला पैसा सबसे नीचे है, सभी चीजों से नीचे है, मनी इज बिलो एवरीथिंग। क्या आपका भी यही मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरा, किसी स्तर में नीचे, ठीक है, जैसे तुम्हारे 50 से कम या नीचे मार्क्स आए, तो यू गॉट बिलो 50 marks, क्योंकि यहां पे 50 क्या है, हमारा एक स्तर है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स भी बना सकते हो। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया, तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन जरूर करें। और साथ के साथ मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ एग्जांपल्स को भी जरूर पोस्ट करें, अबव और बिलो के लिए आप कुछ एग्जांपल्स को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, और हम आपको रिप्लाई के जरिए बताएंगे कि आपके कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं और कौन से सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, जिससे आपको और भी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। और गाइज मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, और साथ के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे से जुड़े हैं। गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज ही हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 99 rupees है, और 99 rupees में आप लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आप इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करेंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। और गाइज अगर आप दिन प्रतिदिन अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे इंग्लिश ग्रामर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपकी पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी के अभी ज्वाइन कर लें। और जैसा कि गाइज मैंने बोला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, इस पे कमेंट जरूर करें। और हाँ, सामने स्क्रीन पे जो आपको GWE का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी जरूर हिट करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।